अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़मन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़मन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक लिमिटेड HBL से रिलेटेड है, ठीक है। और HBL जो आज का जो हम आज की जो हम आज का जो हमारा अकाउंट है उसकी जो सबसे बड़ी खुशियात है वो ये है कि जनाब HBL में सबसे ज़्यादा ये अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है HBL का ये अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन जो है इसका प्रॉफिट रेट, जाहिर सी बात है प्रॉफिट रेट अच्छा है, यही वजह है कि लोग सबसे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा इसको ये अकाउंट खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट इसी अकाउंट में आती है। मतलब इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, ये HBL हबीब बैंक का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है, ठीक है। HBL हबीब बैंक लिमिटेड के बारे में सब जानते हैं जनाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन बैंक, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो HBL की है। HBL की वीडियो में जब भी बनाता हूँ ये जुमले मैं ज़रूर ऐड करता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जीना साहब ने हबीब ग्रुप को दावत दी थी। हबीब ग्रुप उस वक्त इंडिया में होता था, वहाँ बैंकिंग का निज़ाम संभालता था, तो कायद अजम साहब ने हबीब ग्रुप को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पर बैंकिंग करें, बैंक का निज़ाम संभालें। तो ये जो है ये अहमियत जो है वो जो एजाज़ है वो सिर्फ हबीब बैंक के पास है कि जनाब फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने उनको दावत दिया था, उनकी दावत पे पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम संभाले हैं, पाकिस्तान में बैंकिंग शुरू की। जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। जनाब HBL स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो अकाउंट है HBL का, जो जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट रखवाते हैं, सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं, उसका नाम है HBL महाना आमदन अकाउंट। इसी नाम से सेम अकाउंट इनकी इस्लामिक बैंकिंग में भी है, मतलब HBL इस्लामिक बैंकिंग में भी इनका सेम नाम से अकाउंट है, वहाँ पे उसका नाम है HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। ये चूँकि कन्वेंशनल प्रोडक्ट है इसका नाम है HBL महाना आमदन अकाउंट, वहाँ पर इस्लामिक में क्या है HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। इस्लामिक हो तो इसमें इस्लामिक लगा होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और ऐड कर दूँ कि इस्लामिक में भी लोग सबसे ज़्यादा वही अकाउंट खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट भी HBL इस्लामिक महाना आमदन में अकाउंट में आती है, जो लोग इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। अच्छा इसका जो प्रॉफिट है वो आपको हर महीने मिलेगा, ठीक है, हर महीने इसका प्रॉफिट आता है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि मंथली, एक तो इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, इसमें फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, नॉन फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट फाइलर को क्या बचता है और जो है नॉन फाइलर को क्या बचता है। सिमिलरली चूंकि इसका प्रॉफिट मंथली आता है तो इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। इसको HBL ने बाकायदा जो प्रॉफिट रेट उसमें मेंशन किया है कि जनाब आपको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इतना मिलेगा, ठीक है, वो भी मैं आज आपकी वीडियो में शेयर करूंगा। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जो है वो आपका प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स क्या कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद कंपाउंड प्रॉफिट फाइलर क्या बनता है और नॉन फाइलर क्या बनता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट वीडियो की कंप्लीट पैकेज होगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अन मंथली प्रॉफिट रिटर्न, हर महीने प्रॉफिट हासिल करें, ऑलरेडी आप लोगों के साथ आप लोगों को शेयर कर चुका, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा और टायर बेस सेविंग अकाउंट, अच्छा ये टायर बेस था पहले, अब ये टायर बेस नहीं, मतलब एक रुपये हो एक करोड़ रुपये आपको प्रॉफिट सेम मिलेगा। आ टायर बेस्ड सेविंग अकाउंट दैट लेट यू अर्न मार्केट कम्पेटिव हायर प्रॉफिट रेट ऑन योर डिपॉजिट, ठीक है। एक ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसा अकाउंट जो मार्केट के हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट रेट मिलेगा, ठीक है, जिस पे आपको जो ताकि आप अपने डिपॉजिट पे अच्छा मुनाफा हासिल कर सके। दिस अकाउंट लेट योर सेविंग एड योर मंथली इनकम विथ प्रॉफिट पेड एवरी मंथ, ठीक है। ये जो अकाउंट है वो आपके जो महाना आमदनी है उसमें इजाफा करेगा, ठीक है। आगे चलते जनाब, अकाउंट की फीचर्स की बात कर लेते जनाब। फीचर क्या है, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब एक रुपये से भी अकाउंट खुल जाएगा और कोई इशू नहीं है, ठीक है। HBL महाना अकाउंट इज फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ये अकाउंट है। उसके बाद क्या जनाब, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाई
बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी आप खुलवा सकते हैं, दो लोग भी खुलवा सकते हैं, मतलब जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, एक सिंगली एक दो तीन चार लोग भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। फ्री पे बैक डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, पहले साल जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो फ्री होगा, मतलब पहले साल कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, चार्जेस विल अप्लाई एज पर द प्रीवेलिंग एसओबीसी फॉर सब्सक्रिप्टेंस, मतलब एक साल के बाद जो चार्जेस लगेगा वो कितना लगेगा, वो जो शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस की इनका जो एसओबीसी बुक छपती है हर साल, इस साल एटीएम के चार्जेस ये होंगे, चेकबुक के चार्जेस ये होंगे, उसके मुताबिक लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड ऑफ 40,000 और एल सर्विस चार्जेस एज पर प्रीवेलिंग एसओबीसी टू बी डिडक्टेड, मतलब ये कि जनाब आपको जो है अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा हो तो उसका एडवांटेज क्या होगा, आपको एडीएम कार्ड फीस जो होती है जो हर साल लगती है या फिर चेकबुक के चार्जेस होते हैं या कोई और चार्जेस, वो सारे वेव हो जाएंगे अगर अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे चार्जेस हैं वो वेव कर देंगे अगर आपका अकाउंट में 40,000 से ज़्यादा अमाउंट होगी। अच्छा, ये पॉइंट शायद मैं मिस कर गया था, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली डे एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। हर रोजाना के जो अकाउंट का बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और पूरे एक महीने के बाद हर महीने की पहली तारीख को आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट इज कैलकुलेट ऑन डेली डे एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जनाब, कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली का कोई बिजनेस है, फैमिली का कोई घर था, पूरे फैमिली ने मिला के डेढ़ करोड़ का घर रखा था, ठीक, लिया था, उसको उन्होंने बेच कर दिया, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में बेच दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, वो पैसे उठाना, अपने अकाउंट में रख लेना, ठीक है। आपको पता है कि वो पैसे जो जिनके जिनके खानदान में है उनको 1 महीने या 1.5 महीने या 10 दिन बाद देना, जब तक वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ आपके अकाउंट में रहेगा उसका डेली बेसिस पे आप का प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, जब जिसको देना आपने दे दिया उसके बाद से प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा। ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ की अमाउंट पैसे किसी और के थे, लेकिन हुआ क्या, आपके अकाउंट में रहे तो डेली उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ और महीने के बाद आप देखेंगे जनाब 10 दिन 20 दिन ये पैसे रहे, लेकिन इसका जो प्रॉफिट अच्छा खासा आपको महीने के बाद मतलब पहली तारीख को मिल जाएगा। तो डेली क्लोजिंग बैलेंस का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि कहीं से भी पैसे अकाउंट में रख दो, ठीक है, जितने दिन रहेंगे उसका प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, जब जिसको देना हो उसको वापस कर दिया। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, बहुत ही सिंपल है, किस तरह आपने अकाउंट खोलना है, HBL कन्वेंशन ब्रांच, किसी भी कन्वेंशन ब्रांच का विजिट करें, आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं दिखाने के लिए, ठीक है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है ब्रांच वालों की कि फॉर्म खुद ही भरते, तो ब्रांच वाले फॉर्म खुद ही भर देंगे, आपने सिर्फ साइन करना होगा। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगते हैं वो था इनकम प्रूफ, तो जनाब इनकम प्रूफ में आप क्या चीज़ें दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी को स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, ठीक है, ये कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी कितनी सैलरी है वो दे दें, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर किसी के पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे दें, या किसी ने सेपरेशन स्कीम या गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है तो उसकी कॉपी दे दें, ठीक है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पर दिया हुआ है तो रेंट इनकम के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हर महीने दुकानदार इतना जो है वो किराया देगा, या फिर घर जो घर किराया भी दिए तो हर महीने किरायादार इतना किराया देगा, उसकी कॉपी देते, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ब्रांच का विजिट करें आप, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ की कॉपी देते, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं ऐड करूँगा। अच्छा, इसी के साथ अगर कोई डायरेक्टर्स वगैरह हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स तो वही देने होंगे, सिर्फ प्रूफ करना होगा कि वो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टरेट फॉर्म 29 होंगे जिसमें लिखा होता है कि फॉर्म ये डायरेक्टर है, ये फॉर्म ए है, जो डायरेक्टर्स हजरात हैं उनको पता है इस बारे में। डायरेक्टर्स की बात हो रही सिंगल, यानी मेरी और आपकी बात नहीं हो रही, सिंगल लोगों की बात नहीं हो रही, जो जॉब करते हैं वो सिंगल कहलाते हैं, वो सिर्फ कॉपी दे देंगे अपनी उसकी इनकम प्रूफ की, ठीक है, मतलब सैलरी स्लिप वगैरह की। जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने डायरेक्टर्स का कोई प्रूफ दे देंगे, वो उसका इनकम प्रूफ कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब, CZ का 50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, ज़कात की बात होगी, 3 टाइप्स के टैक्स लगते हैं अकाउंट पे, एक ज़कात हो गया, ज़कात भी बेसिकली टैक्स है, ठीक है, ज़कात हो गया या फिर या इनकम टैक्स हो गया या फिर विथहोल्डिंग टैक्स हो गया। तो इनकम टैक्स की तो अभी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करूँगा, उस वक्त मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ज़कात का बताते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स बच गया। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स का सुन लें, विथहोल्डिंग टैक्स हो सकता है 1 जुलाई यानी कल से इसमें इजाफा हो जाए, लेकिन जब तक ये फाइनल कोई सर्कुलर नहीं आता हम आपको नहीं कंफर्म करेंगे कितना बढ़ रहा, ठीक है, लेकिन बढ़ने के मैक्सिमम चांस तकरीबन बढ़ ही गया, लेकिन सर्कुलर का वेट है। बहरहाल, तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में सोचिए, विथहोल्डिंग टैक्स किन लोगों पे लगता है, ठीक है, और विथहोल्डिंग टैक्स से आप किस तरह बच सकते हैं।
विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे चार्ज नहीं होता, तो फाइलर तो बड़ी उस जमा हो गया, ठीक है। फाइलर के लिए विथहोल्डिंग टैक्स का कोई टेंशन नहीं है। नन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स लगता है अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उसको 1,00,000 पे 6 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। नेट नए रूल्स के मुताबिक जो कल से अप्लाई होगा तो वो मेरे ख्याल से 900 रुपये हो जाएगा, 600 से बढ़ के 900 हो जाएगा। मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये लगता था, अब शायद 900 रुपये हो जाए। जो रेट है वो 0.6% है 1,00,000 पे 600 रुपये, अब 0.9% हो जाएगा, तो 1,00,000 पे 900 रुपये हो जाएगा। अभी हुआ नहीं, ठीक है, अभी के हिसाब से 1,00,000 पे 600 रुपये का विथ होल्डिंग टैक्स कटता है, ठीक है। 10,00,000 रुपये कैश निकलवाएंगे तो जनाब 6,000 हो जाएगा। बहरहाल तो विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका किस तरह जनाब, कि विथहोल्डिंग टैक्स लगता है अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, तो आप विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ही ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के जरिए आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ATM से जो पैसे निकाले जाते हैं वो भी मॉड कैश का कहलाता है, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। या फिर क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं कैश निकलवाते हैं वो भी जो मॉड है वो कैश ही कहलाता था, उस पर भी विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे, ऑर्डर, क्लियरिंग के जरिए ट्रांजैक्शन करें, चेक दें, विथहोल्डिंग टैक्स से बच जाएंगे आप। अच्छा, स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब HBL महाना आमदन अकाउंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये टायर बेस अब प्रोडक्ट नहीं रही है, तो इन्होंने डिटेल्स जो टायर बेस की दी है इसको इग्नोर करें और डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट पे आ जाएं, ठीक है। देखें, 1 रुपये यहाँ पे दिया, 0 पैसे 0 रुपये से लेकर 1,00,000 तक जो है वो 20.50 का रेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो कह रहे हैं 50,00,000 होगा उस पर भी 20.50, तो रब सब पे रेट जो है 20.50 का ही कर दिया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट है 20.50%, मतलब साल का प्रॉफिट मिलेगा आपको 20.50% के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बाकायदा मेंशन कर दिया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसको आम जबान में लोग कंपाउंड प्रॉफिट भी कहते हैं। मतलब सिंपल प्रॉफिट रेट 20.50 के हिसाब से मिलेगा और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 22.54 बनेगा, मतलब जिसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट HBL वाले कह रहे हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट मिलना सिंपल इंटरेस्ट रेट वो 20.50 है, उसके बाद हम कैलकुलेशन बनाएंगे कंपाउंड प्रॉफिट की। तो नॉर्मली जो हर महीने प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से कैलकुलेशन सुन लें जनाब, रेट है 20.50%, जो मैं आपको भी दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। मतलब 1,00,000 पे साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,452 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। नन फाइनल की बात कर ले, अच्छा ये देखिए प्रॉफिट भी बड़ा शानदार है, नॉर्मली भी 1,452 रुपये 1,00,000 पे मंथली प्रॉफिट 1,452, 1,708 रुपये का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, तमाम टैक्स काटने में 1,452 रुपये। फाइलर की बात हो रही, नन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट है 20.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइलर हैं तो अभी तक तो 30% टैक्स है, आगे चल के मैं सुन रहा हूँ कि इसके पे भी प्रॉफिट टैक्स शायद कोई कह रहा है 35% हो जाएगा, कोई कह रहा है 45% हो जाएगा, फाइनल ज़रा आ जाए, बजट अप्रूव हो जाए, उसमें फिर हम देखते हैं कितना टैक्स लगेगा। लेकिन अभी तक के प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स के हिसाब से 30% टैक्स है, ठीक है। तो नन फाइलर का जो टैक्स है वो 30% होगा, जिसकी अमाउंट बनी 512 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,196 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का। तो प्रॉफिट जो फाइलर का नेट प्रॉफिट है वो तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं जरा नन अपना कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। HBL ने बताया कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट 1 साल के बाद मिलेगा 22.54%। पहले ही समझ लेते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने अकाउंट में जमा करवाया है 1,00,000 रुपये, ठीक है। 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब, उस पर प्रॉफिट आएगा वो 15,000-16,000 रुपये, ठीक है। आपने करना है सिंपल ये कि 16,000 रुपये भी अकाउंट में रहने देने प्रॉफिट को भी। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 16,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो आपने 16,000 रुपये अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने भी प्रॉफिट आप अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 16,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने 16,000-16,32,000 का जो प्रॉफिट है उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस तरह 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, हर महीने 16,000-16,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और हर महीने जो पहले महीने जो प्रॉफिट आया था 16,000, उस पर भी प्रॉफिट आया, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आया उस पर भी प्रॉफिट आया, मतलब प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट प्रॉफिट पर प्रॉफिट। तो 4-5 महीने बाद देखेंगे आप जनाब, जो 10,00,000 की अमाउंट थी वो 10,00,000 नहीं रही, 11,00,000 रुपये बन चुकी, ठीक है।
और एक साल बाद आप देखेंगे क्या होगा जनाब, हर महीने प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, आते आते पता चला एक साल के बाद 10 लाख की अमाउंट जो थी वो 10 लाख के बजाय 12 लाख रुपये क्रॉस हो चुकी है, और जो आपका प्रॉफिट 20.50% के हिसाब से मिल रहा है उसमें तकरीबन 2% से भी ज़्यादा का इजाफा हो गया है और वो 22.54% बन चुका है, ठीक है। तो उसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट, मतलब करना आपने कुछ भी नहीं पूरा साल भर तक, ना आपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है ना ही प्रॉफिट निकलवाना है, दो नहीं अकाउंट में रहने देना। तो एक साल के बाद क्या होगा जनाब, आपको जो प्रॉफिट है वो 20.50% के हिसाब से नहीं मिलेगा बल्कि 22.54% के हिसाब से मिलेगा। किस तरह बढ़ के मिलता मैं डिटेल बता चुका, हर महीने प्रॉफिट भी अकाउंट में, उस पर प्रॉफिट मिल रहा, उस पर प्रॉफिट मिल रहा, तो बढ़ बढ़ के तकरीबन 22.54% बन जाता है। इतना आसान नहीं होता कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना, क्योंकि तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकों के प्रॉफिट पे गुजारा करते हैं, घर का बैंकों का प्रॉफिट आता है तो घर चलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैंकों का प्रॉफिट भी बैंक में रहने देते हैं, इसके अलावा जो जॉब वगैरह करते हैं उसका प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने देते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कंपाउंड प्रॉफिट आप हासिल कर लें, ठीक है। इस पर कैलकुलेशन देखते हैं फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। जो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो बनेगा तकरीबन 22.54%, साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये, क्रॉस प्रॉफिट मंथली बनना 1,878 रुपये, अगर फायदा तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,596 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है, 1,878 रुपये का मंथली प्रॉफिट 1,00,000 पे 1,878, ठीक है। 10 लाख रुपये तो कितना बनेगा जनाब, तकरीबन 18,000 रुपये, 10 लाख पे 18,000 रुपये मंथली प्रॉफिट, ठीक है। तो जनाब 1,00,000 पे जो मंथली प्रॉफिट बनना 1,878 रुपये ग्रॉस, और नेट प्रॉफिट बनना 1,596, राउंड अप करेंगे तो 1,600 रुपये तकरीबन। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, यहाँ पे वही बात है कि टैक्स जब बढ़ेगा तो हम बढ़ा के बताएंगे आपको, अभी तो 30% ही था, 30% के हिसाब से ही कैलकुलेशन है, ठीक है। रेट है 22.54%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये 1,00,000 पे, ग्रॉस प्रॉफिट है मंथली 1,878 रुपये, अगर आप नॉन फाइलर 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़नी 530 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,315 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,00,000 पे 1,878 रुपये, और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,596 रुपये। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, HBL महाना आमदन अकाउंट, HBL का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट, सबसे ज़्यादा लोग डिपॉजिट इसमें जमा करवाते हैं, सबसे ज़्यादा अकाउंट ये खुलवाते हैं लोग, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।